नमस्कार विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हमारा मेघदूत का प्रथम श्लोक है उसका अर्थ क्या है। और अर्थ आप सभी जानते हैं कि जो पहला श्लोक है यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण होता है उसका तात्पर्य यह होता है कि जो विषय वस्तु है उसका उसमें निर्देश है। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों और पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कई स्थानों पे, कई जो विश्वविद्यालय हैं भारत देश के, उनमें इनकी संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है। तो हम हिंदी और संस्कृत दोनों ही व्याख्याएं क्रम से करेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए, ये जो पहला श्लोक है, जब आप संस्कृत में संदर्भ लिखेंगे तो आप लिखेंगे जैसे हिंदी में लिखते हैं ऐसे ही संस्कृत में लिख के और विसर्ग लगा देंगे। तो ये हो गया आपका संदर्भ। और फिर थोड़ा सा आगे ये विवरण चिन्ह लगा देंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुतो ठीक है, समझ गए होंगे आप। प्रस्तुत प्लस अयम, प्रस्तुतो अयम छंद, छंद लिख दें, पद्य लिख दें, पद्य प्रस्तुतो अयम पद्य छंद कालिदास विरचितात् मेघदूतम इति ग्रंथात् इति ग्रंथस्य पूर्व मेघात, ऐसे लिख देता हूं विद्यार्थियों जिससे गलत नहीं हो, इति ग्रंथात अत्र अवतारितो अस्ति। यानी कालिदास, यह पद्य कालिदास विरचित मेघदूत इस ग्रंथ से अवतरित है। फिर देखिए, आप लिखेंगे प्रसंग, तो आप लिखेंगे प्रसंग, फिर विवरण चिन्ह लगा देंगे और आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये कालिदासः यक्षस्य निवासस्थानं वर्णयन् कथयति यत। ठीक है विद्यार्थियों, यानी इस अस्मिन् माने इस पद्य, यानी पद्य में, इस श्लोक में कालिदास, कालिदास यक्षस्य निवास स्थानम, यक्ष के निवास स्थान को वर्णयन, वर्णन करते हुए कथयति, इसमें कहते हैं कि, यत का अर्थ होता है कि। और इसके बाद आप क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, क्या कर देंगे, डैश। अब डैश करने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। छंदा लिख देते हैं विद्यार्थी,
अब देखिए जो व्याख्या शब्द है वह स्त्रीलिंग है व्याख्या, तो इसलिए हम व्याख्या में विसर्ग नहीं लगाते हैं, आप लिखेंगे व्याख्या, फिर लगा देंगे विवरण चिन्ह। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे जैसे हमने यच्छ का विशेषण दिया था तो आपने लिखा जैसे स्वाधिकारात, प्रमत्तः, ठीक है। अब व्याख्या है तो आप लिखेंगे स्वनियोगात, यानी अपना जो कार्य था उससे असावधान, तो यहां विसर्ग है तो हमें विसर्ग ही लगाने हैं, हम लिखेंगे असावधान। फिर देखिए हमने दूसरा जो विशेषण लिया था वह क्या लिया था, देखिए ये है कांता विरह गुरुणा, कौन सा है, कांता विरह गुरुणा, तो आप लिख देंगे पत्नी विरह असहनीय, असहना। फिर उसके बाद जो आपने हिंदी में देखा अगला था वर्ष भोगेण, वर्ष भोगेण, तो आप वर्ष भोगेण को वर्ष भोगेण भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं वर्ष भोगेण, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। अब देखिए ये दिया है भर्तुः, क्या दिया भर्तुः, तो भर्तुः का तात्पर्य स्वामिनः, कुवीरस्य, स्वामी कौन है कुबेर, यानी स्वामी कुबेर के, सापेन, सापेनास्तम गमित महिमा, ये है। तो अब इसका क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे ना सापेन अस्तम यानी विनाशित दिव्य सामर्थ्य, यानी साप से जिसकी दिव्य सामर्थ्य समाप्त हो गई है। फिर हमने अगला क्या लिया, अब देखिए क्या लिया कश्चित, अब कश्चित का तो आप जानते हैं अज्ञात, अब मैं लिख देता हूं अज्ञातनामा,
ठीक है, फिर देखिए यक्ष। अब यक्ष तो क्या होता है आप जानते हैं, यक्ष ही होता है। तो यक्ष, तो यक्ष क्या होता है तो आप बताएंगे, देव योनि विशेष, यानी ये देव योनि में पाया जाता है, यानी किसी एक देव योनि का नाम क्या होता है, यक्ष। फिर देखिए क्या कहते हैं कि यक्ष ने, फिर क्या कहते हैं, जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु, क्या कहा, जनक तनया, ठीक है, स्नान पुण्य उदकेषु। तो आप देखिए जनक तनाय किसको बोलता है, सीता को। तो आप देख सकते हैं सीता स्नान पुण्य कहते हैं, पवित्र पवित्रीकृत जलेषु, क्या हो जाएगा, जलेशु, यानी सीता के स्नान से जो पवित्र जल हुए थे ऐसे जलों वाले। फिर दिया है देखिए, स्निग्ध छाया तरुषु, क्या दिया, स्निग्ध छाया तरुषु, आप लिखेंगे सघन, स्निग्ध किसको बोलते हैं, घने, सघन, और छाया तो छाया होती है ही, स्निग्ध छाया तो सघन छाया, तरुषु कहते हैं, तरु कहते हैं वृक्ष को, तो आप लिख देंगे वृक्षेषु, वृक्षों वाले। और फिर लिखेंगे आप रामगिरी आश्रमेशु, तो रामगिरी नामक पर्वत के उपवनों में, तो आप लिखेंगे राम गिर, राम गिर आश्रमेशु, इसका अर्थ है आप लिखेंगे रामगिरी इति नामक पर्वतस्य उद्यानेषु। और फिर देखिए क्या बचा हमारे पास, वसतिम, वसतिम का अर्थ होता है निवास स्थानम, क्या बचा है, वसतिम, वसतिम यानी निवास स्थानम। और फिर देखिए शब्द आ जाता है आपका चक्रे, चक्रे का अर्थ होता है बनाया, तो आप लिखेंगे कृतवान। यह व्याख्या होगी विद्यार्थियों किसकी, इस श्लोक की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यह हो गई आपकी संस्कृत व्याख्या, अब क्या है हम लिखेंगे इसमें विशेष, क्या लिखेंगे विशेष, जैसे आपने हिंदी में लिखा उसी प्रकार इसमें लिखना, बस किसमें लिखना है, संस्कृत भाषा में आप लिखेंगे विशेष, और आप पहला बिंदु डाल के लिखेंगे
अस्मिन् पद्ये मन्दाक्रान्ता छन्दः छन्दः अस्ति। दूसरा लिख देंगे आप, अस्मिन् पद्ये विप्रलम्भः शृङ्गाररसः अस्ति। तीसरा लिख देंगे आप, अस्मिन् पद्ये वस्तु निर्देशात्मकः वस्तु निर्देशात्मकः मंगलाचरणः अस्ति। फिर है अस्मिन् पद्ये काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका विशेष हो जाएगा और व्याकरण टिप्पणी, जो व्याकरण टिप्पणी आपने लिखी हैं वह आप वही लिख देंगे जो आपने हिंदी भाषा में लिखी थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।